भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 फरवरी को बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने से इनकार करने के विरोध में महाराष्ट्र भाजपा द्वारा जेल भरो आंदोलन की योजना बनाई गई थी, जिसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भाजपा ने जेल भरो आंदोलन के लिए राज्य भर में 500 से 550 थानों की योजना बनाई थी। आंदोलन में भाग लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं सहित लगभग 50,000 लोगों को निर्धारित किया गया था। बावनकुले ने सोमवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हालांकि कोविड-19 मामलों में जारी उछाल और सीएम उद्धव ठाकरे ने सामूहिक सभा से बचने की अपील करते हुए कहा था, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण भाजपा ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी कोविड-19 महामारी की चपेट में आने वाले उपभोक्ताओं को बिल माफी या रियायत देने के माध्यम से कोई राहत देने के बजाय महाविकास सरकार बिलों का भुगतान नहीं होने पर बिजली आपूर्ति काट रही है। किसानों को एमबीए सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होने पर भाजपा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कल 26 मिनट जनता के सामने आह्वान किया। कोरोना के संक्रमण में सभी राजकीय पार्टियों ने उनको मदद करनी चाहिए, कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए और कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ने देना चाहिए, ये जो उनका विषय था। राज्य के मुख्यमंत्री जब कोई बात जनता के लिए कहते हैं तो हमारी भी जवाबदारी है उनको मदद करना। जनता को कोई भी कोरोना संक्रमण में जनता को बचाना हमारी भी जवाबदारी है। लेकिन हमारा जो 24 तारीख का जेल भरो आंदोलन था, वो आंदोलन 50,000 लोग जेल में जाएंगे ऐसा हमारा निर्णय हुआ था। सभी हमारे एमएलए एमपी, हमारे सारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सारे जिले के अध्यक्ष और जिले के नेता इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे। 50,000 लोग जेल भरो की तैयारी हमने कर ली थी। कोरोना के संक्रमण में मुख्यमंत्री का आह्वान हमने सुना, हम लोग ये आंदोलन पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको सामने करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये विनती कर रहे हैं सरकार को कि आपने जिस प्रकार से जो कहा था कि 100 यूनिट तक मीडियम क्लास और जो हमारे गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बिजली माफ़ करेंगे, 12 बलूतेदार की बिजली माफ़ करेंगे, कोरोना संक्रमण के 4 महीने की बिजली बिल माफ़ करेंगे, एवरेज बिलिंग किया है उसको दुरुस्त करेंगे, उसके बाद हम कोई डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से किसानों का डिस्कनेक्शन हो रहा है, जिस प्रकार से गरीब आदमी की बिजली काटी जा रही है, इसलिए ये आंदोलन था।